आज कोविड के इस टफ टाइम में जो सबसे बड़ी प्रिकॉशन हम ले सकते हैं वो है अपने हाथों को एक अच्छे साबुन से धोते रहना। खाना बनाने से पहले स्पेशली अपने हाथों को जरूर साफ करें, जैसे कि मैं यहाँ लाइफबॉय यूज कर रही हूँ। इसी तरह अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो एक अच्छा एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर जरूर रखें, जिससे कि रेगुलर इंटरवल्स पर आप अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकें। ऐसा करके न सिर्फ आप अपने आप को बल्कि दूसरों को भी सेफ रखेंगे, भूलिएगा मत। तो कोविड से है बचना तो हाथों को धोते रहना। आज मैं आपके साथ इतने झटपट स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसको देखते ही आप बनाना चाहेंगे। ना कोई बाजार की शीट, ना ही आपको घर में शीट को बनाना है। सुपर क्रिस्पी, सुपर टेस्टी, घर के कम सामान से एकदम परफेक्ट रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट स्टाइल क्रिस्पी स्प्रिंग रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे उसके अंदर की वेजी वाली स्टफिंग। तो उसके लिए आप रखें गैस पर एक कढ़ाई या पैन, फ्लेम को कर दें मीडियम और इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही सबसे पहले हम डालेंगे, यहाँ मैंने ली है कुछ वेजीज। मैंने यहाँ लिया है 4 से 5 बड़े चम्मच लंबाई में कटा हुआ, यानी कि लंबा लंबा कटा हुआ पत्ता गोभी। ये मैंने ली है एक गाजर जिसे मैंने स्लाइसेस यानी लंबे लंबा कट कर लिया है, एक प्याज जिसको भी मैंने स्लाइस में कट किया है, और ये मैंने ली है 4-5 फ्रेंच बीन्स, ये मेरे पास थी तो मैंने इस तरह कट कर ली, और ये ली है मैंने शिमला मिर्च, मेरे पास तीनों कलर की थी तो मैंने थोड़ी थोड़ी ले ली है। आपके पास अगर हरी वाली शिमला मिर्च हो तो आप आधी हरी वाली शिमला मिर्च लंबाई में बिल्कुल फाइन काट करके ले लें। तो ये मैंने ले ली वेजीज जो मेरे पास थी, आपके पास जो भी हो आप वो डाल लीजिए। सिर्फ पत्ता गोभी या शिमला मिर्च और प्याज है तो उससे भी आप बना सकते हैं, बहुत अच्छी बन जाएगी स्टफिंग। ऑयल हो गया है गरम तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें प्याज। मीडियम फ्लेम पर प्याज को हल्का सा सोटे करेंगे। सब्जियों को यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, ऐसे करना है कि उसका क्रंच बना रहे और उसका कलर बना रहे। थोड़ी देर सोटे करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। आप चाहें तो अदरक और लहसुन को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, वो भी हम प्याज के साथ बढ़िया से मिक्स कर देंगे। इस तरह प्याज और लहसुन को सोटे करने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे हमारी सारी वेजीज और मीडियम फ्लेम पर सारी वेजीज को इसी तरह हल्का सा सोटे करेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारी वेजीज कितनी सुंदर लग रही हैं, एकदम मल्टी कलर। बहुत ही अच्छा तरीका है जिस तरह आज मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच काली मिर्ची पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। बस अब आपको यहाँ पर और कुछ भी नहीं डालना है, ना तो आप सोया सॉस को यूज कीजिए, ना विनेगर को, और ना ही किसी रेड चिली सॉस या टोमेटो केचप को। इसी से आप बनाकर देखिएगा कि आपके कितने बढ़िया स्प्रिंग रोल मार्केट जैसे तैयार होंगे। क्या होता है कि जो लिक्विड चीजें हम डाल देते हैं ना, तो उसकी वजह से ये फिलिंग पूरी गीली हो जाती है, और फिर जब आप उसको शीट में फिल करते हैं या रैप में फिल करते हैं तो वो भी गीला हो जाता है, फिर वो फटने लगता है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आप उसको बिल्कुल यूज ना करें, आपको जरूरत भी नहीं लगेगी उसे यूज करने की। चलिए हमारी जो वेजीज है बिल्कुल बढ़िया से सोटे हो गई है, कच्चापन भी निकल गया है, क्रंच भी बरकरार है और कलर भी। तो बस इस स्टेज पर गैस को करेंगे बंद और इसे निकाल लेंगे एक बोल में और ठंडा होने देंगे। वेज स्प्रिंग रोल की स्टफिंग हो रही है ठंडी, अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब वेज स्प्रिंग रोल्स के लिए हम तैयार करेंगे उसका रैपर यानी क्रीप्स। ना तो आपको बाजार की शीट लाने की जरूरत है, ना घर पे बहुत ज्यादा मेहनत करके ऑयल लगा लगा करके बेल कर शीट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। शीट वगैरह कुछ भी बनाने की बहुत आसान तरीका बता रही हूँ आपको। आप लीजिए एक बोल और बोल में मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कप मैदा। आप कोई भी कप ले लें मेजरमेंट के लिए। 1/2 छोटी चम्मच नमक, हमें यहाँ बनाना होगा इसका एकदम पतला घोल, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा करके आप डालें पानी और एक विस्कर या स्पून से मिक्स करते जाएं। थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, आसानी होगी, आपको लम्स नहीं बनेंगे। और ये देखिए कुछ इस प्रकार का बैटर हमें तैयार करना होगा, यानी कि जब हम इस तरह से ऊपर से ड्रॉप करें तो नीचे शेप नहीं बन रही है, उसमें मर्ज हो जा रहा है, बिल्कुल ऐसा। और ऐसा बैटर तैयार करने में लगभग 1 कप + 3/4 कप के करीब पानी लग गया है, यानी 1.5 कप से थोड़ा ज्यादा। फाइनली इसमें मैं डाल रही हूँ सिर्फ 2 पिंच खाना सोडा। आप देख सकते हैं बहुत ही जरा से डाल रही हूँ, इसको डालना पूरी तरह ऑप्शनल है, इसे डालने से थोड़ा सा करारापन ज्यादा आता है। अगर आपके पास हो तो आप डालिए, आपका दिल करे तो डालिए, वरना आप इसके बगैर भी बढ़िया तैयार कर सकते हैं। अब आप गैस पर रखें इस तरह से एक तवा, फ्लेम को कर दें मीडियम और तवे को अच्छे से गर्म होने देंगे।
थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे ऑयल, कुछ बूंद, एक किचन टॉवल या एक टिश्यू पेपर से आप अच्छे से इसको ग्रीस कर लें, यानी चिकना कर लें। तवे में से अच्छी हीट आ रही है, फ्लेम को यहाँ कर दीजिए बिल्कुल लो। और लो फ्लेम पर जब तवा बढ़िया गर्म हो तब हम लेंगे एक लैडल फुल बैटर इस प्रकार से, और इस तरह डालेंगे। देख रहे हैं ना, ये फैल रहा है। तो डाल करके इसका बिल्कुल पतले पतले रैपर यानी क्रीप्स तैयार करेंगे, जैसे मैं कर रही हूँ ना, बिल्कुल इस प्रकार। और इसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे, ना ही कोई ऑयल लगाएंगे, बस इस तरह से लो फ्लेम पर इसको सेकने देंगे। देख रहे हैं आप, धीरे धीरे ऊपर की सतह ड्राई होती जा रही है, हल्का सा भी बीच में और है, थोड़ी देर में ये भी हो जाएगा बढ़िया से। बहुत ही आसान और एकदम परफेक्ट तरीका है ये वेज स्प्रिंग रोल बाजार जैसे बना देगा। कोई शीट बनाने की मेहनत नहीं, क्योंकि अगर हम घर में शीट बनाते हैं तो उसे बनाने में ही बहुत समय लग जाता है। और देखिए, अब ये पूरी सतह इसकी ड्राई हो गई। अब मैं कैसे पता चलेगा कि ये सिका है या नहीं, मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ। साइड से ये उठ रहा है, ये देखिए उठ रहा है ना, और बिल्कुल पतला है। बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा तो इसका मतलब ये बढ़िया सिक गया है। तो बस धीरे से इसको हम उठा लेंगे, बहुत ही सॉफ्ट होता है, परफेक्ट। और एक प्लेट पर आप इस प्रकार लगा लें ऑयल, जिससे कि ये शीट इस पे चिपके नहीं, और जिस तरह से आपने सेका है ना, उसी साइड से आप इसको रखें। ये देखिए बिल्कुल इस प्रकार मैंने इस प्लेट को पूरा चिकना कर लिया ऑयल लगा करके, और जिस साइड से हमने सेका था ना, उसी साइड को नीचे रखा है, ऊपर वाली सतह को मैंने ऊपर रखा है। तो बस इस तरह आप रखेंगे, वरना क्या होगा कि ये चिपक जाएगा, तो इसलिए आप ये जरूर ध्यान रखें। इसी तरह अब हम दूसरी शीट बनाएंगे। ग्रीस प्लेट में जिस साइड से सेका है उस साइड से रख देंगे, और इस तरह से सारे रैपर्स तैयार करके, जैसे मैंने बना लिए ना, और भी बहुत सारे, मैं आपको इसकी ये भी दिखा देती हूँ कि हमें बनाने कितने पतले हैं। ये देखिए बिल्कुल ऐसे बनाइएगा, वरना मोटे बना देंगे तो फटेंगे। तो बस इस तरह बना करके तैयार कर लें। तो अब बनाते हैं वेज स्प्रिंग रोल्स। हमारी फिलिंग भी हो गई है ठंडी, तो इसमें से लेते हैं एक चम्मच फिलिंग, और यहाँ पर बीच में इसमें करेंगे फिल, और फिल करके इसको कीजिए टाइटली दो बार रैप। इस तरह करने के बाद ये वाला पोर्शन इसके ऊपर और ये वाला पोर्शन इसके ऊपर, ऐसे होते हैं ना। अब क्या करना है, जो हमने अभी बैटर तैयार किया ना मैदा का, उसमें से मैंने थोड़ा बचा लिया था, ये हमारा काम करेगा ग्लू की तरह। तो इसको आप यहाँ लगा दीजिए, जिससे कि बिल्कुल बढ़िया से ये सील हो जाए और फ्राई करते वक्त ये निकले नहीं। और इसको कर देंगे इस तरह से पूरा पैक, बिल्कुल इस तरह। ये देखिए परफेक्ट है ना, एकदम बढ़िया पैक हो गया। कम से कम दो बार रैप कीजिएगा टाइटली, जिससे कि जब आप फ्राई करें तो वो फटे नहीं। ये बिल्कुल अच्छा तरीका है, लग रहा है एकदम परफेक्ट। कितना आसान तरीका है, ना कोई शीट बनाने की मेहनत, ना बाजार से शीट लाने की। इतनी आसानी से रैपर से आप इतने बढ़िया स्प्रिंग रोल तैयार कर सकते हैं। तो सभी को बिल्कुल इसी प्रकार तैयार करेंगे। ये लीजिए, तैयार हो गया हमारा बढ़िया स्प्रिंग रोल। तो सारे पीसेस को बिल्कुल इसी तरह तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए हमारे स्प्रिंग रोल इस तरह से सारे हैं तैयार। कितने अच्छे लग रहे हैं। बस इस तरह बना करके अगर आप अभी नहीं इसको फ्राई करना चाहते तो आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं पूरे 4-5 दिन तक के लिए। एक एयरटाइट बॉक्स में भर करके आप फ्रिज में रख दें, ये 4-5 दिन भी बिल्कुल खराब नहीं होंगे। तो मैं यहाँ इनको डीप फ्राई करने वाली हूँ, आप चाहे तो इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। और अगर बेक करना चाहते हैं तो 200 डिग्री सेल्सियस पर प्री हीटेड ओवन में आप इसे गोल्डन होने तक बेक भी कर सकते हैं। गैस पर रखें आप एक कढ़ाई, और कढ़ाई में डालेंगे कुकिंग ऑयल, और ऑयल को मीडियम फ्लेम पर बढ़िया गर्म होने देंगे। मीडियम हॉट ऑयल में अब एक एक स्प्रिंग रोल हम धीरे से इस तरह डालेंगे, ज्यादा एक साथ नहीं भरेंगे, सिर्फ 4 ही पीस डालें, जिससे आप उनको इजीली हैंडल कर पाएं, वरना फटने का डर रहता है। अभी बिल्कुल टच नहीं करेंगे, जब ये थोड़े से फर्म हो जाएंगे, सिक जाएंगे, ऊपर आने लगेंगे, तब हम इनको फ्लिप करेंगे। मीडियम फ्लेम पर जब ये थोड़े सिक जाएं, तब आप इसे इस तरह चम्मच से फ्लिप कर दीजिए, यानी रोटेट कर दीजिए एक बार। वाह सुपर, देख रहे हैं आप, एक भी फटा भी नहीं, एकदम परफेक्ट, कम मेहनत में बनने वाले हमारे बहुत ही बढ़िया स्प्रिंग रोल्स। अब आपको इनको बनाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा।
और जैसे कि अभी आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आ गया है, तो बस इस स्टेज पर हम अपने सारे स्प्रिंग रोल्स निकाल लेंगे। और ये देखिए क्या मस्त हमारे स्प्रिंग रोल्स तैयार हुए हैं, एकदम गोल्डन प्यारा क्रिस्पी क्रंची कलर, परफेक्ट कुरकुरे करारे बाजार जैसे स्प्रिंग रोल है, झटपट तैयार। तो इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट पर, सुपर, और सभी को इसी तरह तैयार करेंगे। और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारे क्रिस्पी क्रंची झटपट बनने वाले मार्केट स्टाइल वेज स्प्रिंग रोल, लग रहे हैं ना बिल्कुल बाजार जैसे, और देखने से ही पता चल रहा है कि ये कितने करारे बने होंगे, बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे बने हैं फ्रेंड्स। इस तरह आप जरूर बनाएं, पूरे परिवार को खिलाएं, सब खुश हो जाएंगे। और ये देखिए इसका क्रिस्प, सुन रहे हैं आप आवाज, सुना आपने, एकदम क्रिस्पी क्रंची, सुपर। एक एक लेयर आप अंदर की देख सकते हैं कि सुपर क्रिस्पी हमारी लेयर तैयार हुई है इस तरह से। समोसा भी फेल है जब आप इसे बनाएंगे। वाओ, देख के मुंह में पानी आ रहा है, आपको भी आ रहा है ना, तो सोचिए मत, फटाफट किचन जाइए, बनाइए और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपने किस चटनी के साथ इसको एंजॉय किया। वैसे तो ऐसे भी खा सकते हैं, तो मुझे भी रुका नहीं जा रहा है। आप भी बनाइए और अपने प्यारे प्यारे कॉमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि ये स्प्रिंग रोल की रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 ढेर सारे लाइक कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स सोशल साइट्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह अपना प्यार मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक पर भी जरूर दें। सभी रेसिपीज की डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।